हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ आई हूँ। और आज का जो प्लांट वीडियो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है कि स्लिपिंग हिबिस्कस, जो इस प्लांट का नाम है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आप घर में बना यानी होम मेड कौन कौन सा फर्टिलाइज़र यानी कि खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके इस्तेमाल के बाद आपके प्लांट में ढेरों फ्लावरिंग होगी। दूसरा, केमिकल फर्टिलाइज़र भी शेयर करूंगी जो कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। मैंने खुद से ट्राई किया है अपने प्लांट के ऊपर और इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो ये है स्लिपिंग हिबिस्कस का प्लांट। इसको आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी आप जितनी कटिंग करेंगे वो उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह से घना होगा और उसमें फ्लावरिंग उतनी ही अच्छी होती है। ये आउटडोर प्लांट है, धूप में चलने वाला पौधा। धूप जितनी अच्छी मिलती है उतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। लेकिन इस प्लांट को अगर गमले में लगाया हो तो ऐसी जगह में रखें जहाँ इसे बहुत अच्छी धूप मिले। 3-4 घंटे की धूप तो कम से कम मिल ही जाए। लेकिन अगर ग्राउंड में लगाते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। इसकी जड़ें मिट्टी में बहुत दूर दूर तक फैलती हैं, जिससे कि इसे पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से मिलता है और इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं इस प्लांट के बारे में कि इसमें घर में बना कौन कौन सा होममेड खाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में मिल जाता है। कोई पैसे नहीं लगते उसको बनाने में और इससे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र है, जो होममेड है घर में बना, वो है फ्रेंड्स आलू के छिलके। आप आलू के छिलकों को, जब आलू छीलते हैं तो आलू के छिलके को निकाल लें, उसको फेंकें नहीं। और आलू को धोते भी हैं, जब छीलने के बाद जब धोते हैं तो उससे जो पानी निकलता है उसको भी फेंके ना। उस पानी को भी आप इसके गमले के जड़ों में डाल सकते हैं। महीने में 2 बार आप ऐसा कर सकते हैं, इससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। दूसरा, कि आलू के छिलके को या तो आप सुखा लें, सुखा कर उसका पाउडर बना लें, या डायरेक्टली आलू के छिलकों को, सूखे हुए आलू के छिलकों को इसकी जड़ों के आसपास गुड़ाई करके दबा दें पूरे अच्छी तरह से और उसमें फिर पानी डालें। आप महीने में 2 बार ये काम करें, इससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी आपके प्लांट में और प्लांट के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। इसके अलावा जो आप खाद इस्तेमाल कर सकते हैं वो बनाना पील कर सकते हैं, केले के छिलकों का, सेम जैसे आपने आलू के छिलकों का इस्तेमाल किया है। आलू के छिलके को सुखाकर भी आप जैसे डालते हैं, वैसे केले के छिलकों को आप सुखाकर डाल सकते हैं या उसको पाउडर बना के पाउडर फॉर्म में डालें। 1 से 2 बड़े चम्मच मिट्टी की गुड़ाई करें और फिर उसमें डालें और पानी ज़रूर मिला दें। इसके अलावा आप इसका बनाना पील बना सकते हैं, केले के छिलकों को काट कर बहुत अच्छी तरह से काट लें और एक बड़े कंटेनर में 1 से 1.5 लीटर पानी में 10-15 केले के छिलकों को रख लें और 1-2 दिन के लिए उसको उसी बंद कंटेनर में छोड़ दें और फिर 3रे दिन उसको छान कर उसके पानी को इसकी मिट्टी में डालें। तो इससे भी फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है और प्लांट के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और फ्लावरिंग आपको बहुत देखने के लिए मिलेगी। प्लांट के लिए धूप मिलना भी पौधे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर धूप प्लांट को अच्छे से नहीं मिलेगा, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है 3 से 4 घंटे की कम से कम, उतनी धूप नहीं मिलती है तो इसमें कभी कभी फूल आना बंद हो जाते हैं या बहुत कम फ्लावरिंग भी होती है। इसलिए इतना ध्यान रखें कि इसे धूप में रखें। केमिकल फर्टिलाइज़र बताती हूँ जो कि जादू कर देगा, जो मैंने खुद से ट्राई किया है अपने प्लांट पे और मैंने उसका रिज़ल्ट भी देखा, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला। आई होप कि आप लोग भी जब ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी ये फर्टिलाइज़र जो शेयर कर रही हूँ उसको इस्तेमाल करने के बाद बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, पूरा प्लांट फूलों से भर जाता है। तो वो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स डीएपी। अगर आप लोगों के पास है तो अगर 10 इंच के गमले में आपने लगा रखा है तो उसमें 10 से 15 दाने डालें और साथ में कम से कम 4-5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, कोई भी अच्छा सा, गमले की गुड़ाई करें और गमले के इधर इधर साइड में बिल्कुल गुड़ाई करने के बाद डीएपी को इधर साइड में डालें और डालने के बाद पानी अच्छे से डालें उसमें और फिर कुछ दिनों के बाद आप जो रिज़ल्ट देखेंगे फ्रेंड्स आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है डीएपी का
और फिर DAP जब प्लांट में डालते हैं मिट्टी में, तो उसको ऊपर की तरफ रहने ना दें, पूरी तरह से मिट्टी में उसको दबा दें, और जड़ों में ना डालें, जड़ों के पास आसपास डालें, साइड साइड में गमले के। और अगर ज़मीन में डाला है तो फ्रेंड्स उसमें मात्रा ज़्यादा कर दें, क्योंकि ज़मीन में जो पौधे लगे होते हैं उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है खाद की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी तेज़ी से डेवलप होते हैं, रूट्स बहुत तेज़ी से इनके बनते हैं, और उनको जितनी अच्छी फिर खाद मिलेगी फिर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और ये जो DAP और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर मैंने बताया आप लोगों को इसमें डालने के लिए, वो आप महीने में सिर्फ 1 से 2 बार डालें, 15 दिन में 1 बार। बहुत ज़्यादा DAP का इस्तेमाल ना करें, वरना आपका प्लांट जल सकता है, ख़राब हो सकता है। और मात्रा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ना रखें, बहुत ज़्यादा DAP डालने से आपका प्लांट जल सकता है, ख़राब हो सकता है। और ये ज़रूर बात ध्यान रखें कि जब भी आप खाद डालते हैं, किसी भी तरह का खाद आप किसी भी तरह के प्लांट में डालते हैं, तो उसमें आप पानी ज़रूर डालें, क्योंकि खाद जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और अगर आप पानी नहीं देंगे तो आपके प्लांट्स की जड़ें जल जाएंगी और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसके साथ आप इसमें सरसों की खली भी डाल सकते हैं, मस्टर्ड केक जिसे बोलते हैं, ऑनलाइन और प्लांट नर्सरीज़ में भी मिल जाता है बहुत आसानी से और बहुत सस्ते मिलते हैं। तो अगर 10 इंच के गमले में लगा रखा हो तो 1 छोटा चम्मच आप इसका पाउडर मिला सकते हैं, चारों तरफ गमले के चारों तरफ डालें गुड़ाई करके, और फिर पानी डालें। और ये भी महीने में गर्मियों में सिर्फ 1 बार डालें, क्योंकि सरसों खली बहुत ज़्यादा गर्म होता है और उस ये प्लांट को बहुत जल्दी जला देता है, इसीलिए बहुत कम मात्रा रखें सरसों खली का। कोशिश करें कि सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट पे ही डालें, वरना आपका प्लांट बहुत जल्दी जल जाएगा। और पानी बहुत अच्छे से ज़रूर डालें, वरना प्लांट ज़रूर ख़राब हो जाएगा आपका। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें और इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपके प्लांट में बहुत सारी फ्लावरिंग होगी। तो यही था फ्रेंड्स आज का प्लांट वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।